नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ पौधे अपने स्थानीय पार्क में लगाएंगे और इस कार्य में मेरी मदद मेरे परम मित्र अनिल जी कर रहे हैं। पौधा लगाने के लिए वह खुरपी की सहायता से गड्ढा कर रहे हैं। उनको कुछ कार्य हो गया तो बाकी का कार्य हमारे चाचा जी श्री श्याम जी कर रहे हैं, जो वहां पर माली के रूप में कार्य करते हैं। अच्छी प्रकार से गड्ढा कर यह पिलखन का पौधा हमने यहाँ पर लगाया है और यह पौधे हमने अपने नेचुरल गार्डन में ही तैयार किए हैं। हाथ की सहायता से अच्छी प्रकार से दबाकर पौधा लगाया जा रहा है और बांस की लकड़ी का टुकड़ा सपोर्ट के लिए लगाया गया है। और यह हमारी स्थानीय पार्क, देखिए। दूसरा पौधा हम शीशम का लगा रहे हैं और यह पौधा दूसरे माली जी लगा रहे हैं। यह शीशम का पौधा भी हमने अपने नेचुरल गार्डन में तैयार किया है। यह हमने शीशम का पौधा लगा दिया है। यह पिलखन का पौधा लगाया हुआ है और अभी आपको कुछ महीने पहले हमने अंबेडकर जयंती पर सहजन के पौधे लगाए थे और यह देखिए, इस सहजन के पौधे की हाइट लगभग 8 फीट से भी ज़्यादा हो गई है। यह दूसरा पौधा है, इसकी हाइट भी काफ़ी बड़ी हो गई है और सहजन बहुत ही न्यूट्रिशन वाला प्लांट होता है। इस तरह के कार्य करने की प्रेरणा हमें पीपल बाबा से मिली है। और यह तीसरा पौधा देखिए, अंबेडकर जयंती पर हमने 3 सहजन के पौधे लगाए थे, वह तीनों पौधे स्वस्थ हैं और तीसरे पौधे पर तो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और अपने नेचुरल गार्डन से कुछ मधुमालती के बीज लाकर हमने यहाँ पर डाल दिए थे और यह फूलों की बेल भी यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।